सर देखिए स्टार्ट करते हैं अपने लोग, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, मैट आपके पास नहीं है ना सर? एक जन वो नहीं आया, बात नहीं, प्रॉब्लम है थोड़ा सा बढ़ती हो, नहीं थोड़ा बढ़ती है। ठीक है, हर लोग हर तरह के होते हैं सर। इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, पता है आप, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। और कुछ कुछ लोग हैं जो कि बैड इन्वायरमेंट में ही बहुत कुछ करके निकल जाते हैं। टेक एग्जाम्पल लोटस, तब बेस एग्जाम्पल बोल रहे हैं आप, राइट? कहाँ पर वो खिलता है? टी शर्ट, लेकिन सबसे खूबसूरत फूल है। इसीलिए सर तो मेरा यही मानना, लाइफ में कीचड़ में ही लोटस खिलता है। रोज के लिए तो सराउंडिंग चाहिए। कुछ कुछ लोग रहते हैं जो कि, अब जैसे कि मैं भी जहां से बिलोंग करता हूँ वहां पर भी थोड़ा है रफ टफ, बीस लीस आओ अरे है बहुत सारा। आओ मामा, कहाँ हो तुम? मेरा भी वैसा सराउंडिंग है नो डाउट, लेकिन हाँ ऑब्वियसली अब वो सराउंडिंग में जैसा हम बात करते हैं अब वही हम अपना बिहेवियर और कैरेक्टर हम बाकी सबके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, डेट इज रॉन्ग। आपको थोड़ा सा डिप्लोमेट बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मैनरिज्म दिखाना पड़ेगा, जहां पर लोग वैसे हैं उनके साथ वैसे रहना होगा। अब जो दोस्त लोग बेटा उठाए गिरा है उसे अब इज्जत से बात करेगा, भाई आप आइए, वो भी शौक हो जाएगा, अच्छा सर हाँ वैसे हाँ आप आइए। उसको इज्जत समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा आप उसको गाली दे रहे हैं। ऐसा है कुछ कुछ दोस्त, उसको लगेगा गाली दे रहा है, वो टेंशन में आ जाएंगे, भाई मेरे से कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ बात हुआ, देखो मेरा कोई बात बुरा लगा ऐसा पता, तुम इतना इज्जत से बात करता है ऐसा ऐसा है, मेरे साथ भी है, कुछ कुछ दोस्त लोग है ऐसा, उसको थोड़ा इज्जत से बात कर लेते हैं तो भी टेंशन है। कुछ कुछ दोस्त ऐसा है जो उनको गाली देके बुलाता है, अबू मेरे को इज्जत से बोलता है भाई सुनिए ना, अबे सुन से भाई सुनिए ना। तो समझ में आ जाता है भाई साहब कुछ काम है उसको अर्जेंट, कुछ काम है उसको अर्जेंट। देखिए तो इंसान जब भी कोई आपसे बात करता है ना, तो ऐसा होता है उसका फर्स्ट टू सेंटेंस ही समझ में आ जाता है कि क्या बात करना है उसको। तो सर आइए हमारा न्यू टॉपिक है, दैट इज इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था इनकम एग्जेम्प्ट का, लेके अगर आप लोग को याद होगा तो हमारा बेसिकली जो टैक्सेबिलिटी है अपने लोगों पर में, जो इनकम टैक्स लगा है, आप बताओ जो इनकम टैक्स हमारे पास में लगी है ये इनकम टैक्स में किसके ऊपर लगता है? टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम अर्न बाय द पर्सन, अर्न बाय द पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो बेसिकली ये इनकम के ऊपर टैक्स लगता है ना, इसलिए इसका नाम डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है। नाउ अब ये जो इनकम है, मैंने आपको बताया था दो कैटेगरी का होता है, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। जो रेवेन्यू नेचर का है वो मेरा टैक्सेबल होता है, जो कैपिटल नेचर का वो मेरा टैक्सेबल नहीं होता। कैपिटल नेचर मीन्स व्हाट? दैट इज गिफ्ट, लोन, बोरिंग कैपिटल, किसी से बोरो कर रहे हैं, गिफ्ट मिल गया आपको, लोन मिल गया है, कोई सब्सिडी मिल गया है, कोई डोनेशन मिल गया है, दिस इज नॉट अर्न्ड। ये अंड नहीं हुआ आपका, ये कमाए नहीं है, ये आपको मिला है आपका गुर्बती को देख के, भीख में देख के, इमोशनल ब्लैकमेल करके, जैसे भी करके आप जो पैसा मांगे अगले से, दिस इज व्हाट कैपिटल रिसीव, ये टैक्सेबल, ये मेरा टैक्सेबल नहीं होता। क्लियर है? तो टैक्सेबल क्या होता है? रेवेन्यू विच हुआ अर्नड, जो आप अर्न करते हैं आइदर बिजनेस से, आइदर जॉब से, आइदर कमीशन से, आइदर कोई प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी को रेंट करके, आइदर कोई प्रॉपर्टी को बेच के, खरीद के, बैंक का इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, देर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी जहां से आप पैसे कमाते हैं, राइट? तो वो टैक्सेबल होगी, तो ये हमारा रिवेन्यू टैक्सेबल होता है। नाउ रिवेन्यू नेचर में भी यहाँ पे दो पार्ट कर दिया। अब रिवेन्यू नेचर में यहाँ पर रिवेन्यू नेचर में ये तो मेरा टैक्सेबल है। अब यहाँ पे स्कोप आता है, क्या आता है स्कोप बोले तो भाई? रेसिडेंशियल स्टेटस आता है। अब ये इनकम मेरा टैक्सेबल तो होगा, लेकिन ये स्कोप के हिसाब से ये चेंजेस होता है। स्कोप क्या? कोई पर्सन आर ओ आर है, कोई पर्सन आर एन ओ आर है, कुछ पर्सन नॉन रेसिडेंट है। तो सेम इनकम इसके लिए टैक्सेबल होगा,
माइट बी सेम इनकम इसके लिए टैक्सेबल नहीं है, माइट बी सेम इनकम इसके लिए भी टैक्सेबल. तो ये स्कोप ऑफ इनकम चेंज कर देता है कि सेम इनकम डिपेंड करेगा पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस पे कि वेदर उस पे वो टैक्सेबल होगा और दूसरे पर्सन के स्कोप के हिसाब से उसमें टैक्सेबल नहीं होगा. एग्जाम्पल आर ओ आर, अपने लोग पढ़े आर ओ आर का, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इसके लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, नहीं समझे? तो अपने लोग जितने भी है इंडिया के बाहर नहीं गए, कहा अभी तक जो भी जम मारे हैं सब इंडिया के अंदर मारे हैं, मैक्सिमम गए होंगे तो बाहर गए होंगे आप, लेकिन इंडिया के बाहर तो नहीं गए. तो आप इंडिया में पले बड़े और इंडिया में रह रहे हैं, तो आप क्या है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट. अब आप बोलेंगे इंडियन गवर्नमेंट को, साहब मेरा 50 लाख रुपए हम कमा रहे हैं यूएस में, बोलेगा मजाक कर रहे क्या? तुम तो यहीं रह रहा है, तुम तो बड़ा यूएस गए या नहीं है, तुम तो यूएस जा रहा नहीं है, तो यूएस से तुम पैसा कैसे कमा रहा? कमा सकते हैं आप, आज के टाइम में ऑनलाइन बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है. आप यूएस गए नहीं है लेकिन यूएस आप में आप काम कर सकते हैं, राइट, ऑनलाइन के थ्रू, तो ऑनलाइन आप पैसा कमा सकते हैं. लेकिन गवर्नमेंट बोला कि नहीं तुम यहीं पर रहा है, तुम यहीं पर रहता है, तो तुमको ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोल रहे हैं और तुम्हारे लिए पूरा ग्लोबल इनकम टैक्स, मतलब इंडिया में जो तुम कमा रहे हो वो भी तुमको देना पड़ेगा और जो तुम फॉरेन से कमा रहे हो लेकिन पैसा तुम तो इंडिया पे रिसीव करोगे. बोले नहीं साहब हम यूएस में एक ठो बैंक खोला है, पैसा भी वहीं पर रिसीव कर, हमको यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, यूएस में हम ले रहे हैं, यूएस में कमा रहे हैं, यूएस में अकाउंट खोला है, वहीं पर पैसा रहता है और वहीं से हम पेमेंट वगैरह कर उड़ के रख देते हैं और कभी कभी घूमने जाते हैं तो वही पैसा से खर्चा करते हैं, यहाँ पैसा नहीं ला रहे, हमको पता है आप लोग का बवाल है. बोला कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पे तुम नहीं रहते हो या फिर यहाँ पे तुमने पैसा रिसीव नहीं किया है लेकिन फिर भी तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, फिर भी तुमको टैक्स, समझ में? कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट. लेकिन यही बंदा अगर नॉन रेसिडेंट रहता, नॉन रेसिडेंट रहता तो सेम इनकम मेरा टैक्सेबल नहीं होता. कोई गोरा है यूएस में कमा रहा है, यूएस में खा रहा है, यूएस में ही टैक्स दे रहा है, सब कुछ यूएस में कर रहा है, इंडिया में आया नहीं, इंडिया में आया मिलने के लिए 60 दिन से ज्यादा रहे कि इंडियन गवर्नमेंट बोला तुमको टैक्स देने होगा, इंडियन गवर्नमेंट बोला तुमको टैक्स देने होगा. यूएस बोला साहब कौन सा इनकम, कौन सा इनकम पे टैक्स देंगे, सब इनकम पे, सब इनकम में देगा क्या? बोले कि साहब हम इंडिया में कमाए कुछ नहीं है तो इंडिया गवर्नमेंट में हम टैक्स क्यों नहीं है? बोले नहीं तेरा जो 50 लाख रुपए जो तुम यूएस में कमा रहे हो उसमें टैक्स देने हो, पॉसिबल है? हाँ फिर बिडेन भाई साहब क्या करेगा, आ जाएगा बीच में, अमार छेले आचे एरोकोम बाजाबाजी कोर है ना कोरबे ना, समझ में? तो सर ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना, अगर हर एक कंट्री अपना अपना सिटीजन को तो प्रोटेक्ट करेगा ना, वो टैक्स कलेक्ट करेगा, फिर आप कैसे करोगे? तो ये इनकम ये स्कोप के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा इनकम टैक्सेबिलिटी होगी कौन सा. स्कोप डिसाइड कर लेने के बाद, स्कोप डिसाइड कर लेने के बाद अब यहां पर दो पॉइंट आता है कि कोई इनकम एग्जेम्प्टेड भी है, क्या बताइए? मतलब गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट क्या किया, कुछ कुछ इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया, क्या कर दिया, बोल दिया इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, और इसके अलावा जो बच गया, इसके अलावा जो बच गया उसको टैक्सेबल कर देना, क्या कर देना, टैक्स. चीज क्लियर हो रहा है? तो पहले रीजन समझिएगा कि सर टैक्स का जो भी प्रोविजन है देयर इज समथिंग, वहां कुछ ना कुछ वजह है, कुछ ना कुछ रीजन है, तभी वो टैक्स आता है, अदरवाइज टैक्स नहीं है. तो यहां पर आप मेरे से जो पढ़ ले हो, मैं आपको सिर्फ प्रोविजन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा क्या रीजन, क्योंकि रीजन याद रहेगा तो लॉ का प्रोविजन ऑलवेज याद रहता है, रीजन याद नहीं रहेगा टैक्स का प्रोविजन आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर पाओ. रीजन क्या है? तो यहाँ एग्जेम्प्टेड इनकम लाने का रीजन क्या है, एग्जेम्प्टेड इनकम लाने का रीजन गवर्नमेंट का क्या है, टू सोसाइटी के लिए, किसके लिए, सोसाइटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, किसके लिए बताइए, सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी का रिक्वायरमेंट के लिए. सर हमको बताइए इंडियन गवर्नमेंट प्रॉफिट मोटिव है या सोशल मोटिव है, पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है. अगर गवर्नमेंट उठ के प्रॉफिट मोटिव चला गया तो भाई साहब खत्म, हम लोग तो खत्म, पॉसिबल है क्या? तो गवर्नमेंट कैन नॉट बी अ प्रॉफिट मोटिव है ना, वो क्या है सर, ऑलवेज पब्लिक मोटिव रहता है, पर सोशल वेलफेयर है. तो एक तो कुछ कुछ इनकम जो कि सोसाइटी में एग्जेम्प्ट होना चाहिए उसको एग्जेम्प्ट करना है, दूसरा गवर्नमेंट कुछ कुछ चीजों को इंप्रूव करना चाहता है, क्या करना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कुछ चीजों को वो इम्प्रूव करना चाहता है. तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपने को क्या करना होगा, टैक्स का बेनिफिट देना होगा, नहीं समझे?
आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन जो लोग के पास पैसे है, बहुत ज्यादा इनकम है, उन लोगों को तो टैक्स बचाना है, तो उन लोग कौन सा इनकम में कमाएगा जिसमें टैक्स देना है? और उनके पास अगर दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि आप इसके थ्रू से इनकम कमाते हैं, तो आपको एग्जेम्प्ट देंगे, क्या देंगे? एग्जेम्प्ट देंगे, तो लोग क्या करेगा, वो ऑल्टरनेटिव में जाएगा, बिकॉज उसका 25% 30% टैक्स बच रहा है भाई साहब, तो लोग ऑल्टरनेटिव तलाश करते हैं जहां पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है। अभी टेक एग्जाम्पल, जो बिजनेस करते हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, स्टार्टअप वगैरह जो भी फेस चल रहा है, तो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन बोलकर एक पार्ट है, जहां पर आपका अगर बिजनेस यूनिक है, और आपका बिजनेस है, भी आप शार्क टैंक वगैरह में देखते हैं बहुत सारा बिजनेस यूनिक बिजनेस वगैरह आ रहा है, और कुछ कुछ उसमें अच्छा कॉस्ट भी है, अच्छा कॉस्ट है ना। बिजनेस में दो तरह का होता है, एक होता है स्टार्टअप जो कि सिर्फ प्रॉफिट मोटिव है, एक होता है स्टार्टअप जो कि प्रॉफिट मोटिव तो हर एक बिजनेस होता है, लेकिन उसके साथ साथ सोसाइटी डेवलपमेंट भी है। इट इज लाइक अ उबर ओला वगैरह, ये लोग जो आया है तो इसमें मास इंप्लॉयमेंट जनरेट किया। आप देखो अगर स्विगी जोमेटो वगैरह हो गया, उबर ओला वगैरह हो गया, तो इसमें ड्राइवर लोग का जो अच्छा खासा स्केल हुआ है, देर आर ह्यूज इंप्लॉयमेंट जनरेट हुआ कि नहीं हुआ भाई? जो लोग मतलब कुछ नहीं करते थे, घर में बैठे हुए थे, उन लोग को जस्ट गाड़ी वगैरह सीख लेना, चलाना आना है, आप ड्राइवर बन जाओ, और अलहमदुल्ला 20 से 25 हज़ार रुपये महीना वो लोग कमा रहा है, समझ गया? और दो तीन डो हिसाब बाजी लोगे तो 30 से 35 भी कमाता है। हिसाब हिसाब हर जगह, देखिए अपने लोग ह्यूमन है, कोई भी एक काम करेंगे, करते 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 एक्सपर्ट बन जाते, क्या बन जाते? एक्सपर्ट बन जा रहे, तो उसका ईट्स बीट्स, उसका ताल घाट सबको समझ जा रहे हैं। ताल घाट में हमारा दिमाग खुराफाती अगर रहा तो उससे खेल भी लेते, उससे खेल भी लेते। तो ये हर जगह है, इसीलिए बोलता हूँ ना, पैसा हर जगह है, आपको सिर्फ कोई भी एक चीज में एक्सपर्ट होना है, क्या होना है? एक्सपर्ट होना है, फिर आप पैसा उस जगह से जरूर कमाओ, कुछ भी चीज है। मैंने आपको बाल वाला एग्जाम्पल देता, रिमेम्बर, कोई इमेजिन करेगा साला सीए करके बाल काट रहा है? बोलेगा आदमी सीए करके बाल काट रहा है, कहा भाई हंसेगा आदमी, लेकिन वो आपसे आपसे हम लोग से ज्यादा रुपया कमाता है, तो बोल नहीं सकते कि पैसा हर एक जगह से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट उस चीज को इम्प्रूव करेगा, या तो गवर्नमेंट किसी चीज को, किसी चीज का रिक्वायरमेंट है, क्या बताइए? रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उस चीज को एग्जेम्प्ट किया जाए, क्या किया जाए? एग्जेम्प्ट किया। अब टेक एग्जाम्पल इंप्रूवमेंट का क्या हो गया, गवर्नमेंट अभी यहाँ पर बिजनेस को डेवलपमेंट करना चाहता है। अभी जैसा हमारा फेस चल रहा है, अभी रिसेशन और ये सब वॉर वॉर का अगर झमेला नहीं रहेगा, तो मतलब कि पूरा प्रिडिक्शन है कि 10 साल में वी आर अ वर्ल्ड लीडर इकोनॉमिक पावर के बेस पे, बिकॉज इंडिया में जो 2010 से लेके अभी तक का जो फेज हमारा चल रहा है ना, बेसिकली दिस इज स्टार्टअप दौर, ये हमारा स्टार्टअप फेज चल रहा है इंडिया का, बात समझ रहे? ये जो ओला उबेर आप लोग अभी देख रहे हैं, बिजनेस कब से स्टार्ट करा? बहुत पहले से किया, वो वगैरह बहुत पहले से स्टार्ट हुआ, ये अभी 3 से 4 साल मेहनत करने के बाद में अपना एड वगैरह और अपना एक ब्रांड बना। तो इस तरह से और भी आने वाला 5 से 10 साल में नया नया ब्रांड आपको मिलेगा, नया नया टेक्निक मिलेगा, नया नया इनोवेशन मिलेगा, क्योंकि लोग वर्क कर रहे हैं, और जैसे बिजनेस हमारा डेवलप होगा तो इम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इम्प्लॉयमेंट क्रिएट रहेगा तो क्या होगा, सोसाइटी खुद ब खुद अप होगी, बढ़ेगी, और जीडीपी सबका सबका परचेसिंग पावर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो सर जीडीपी स्ट्रांग होगी, जीडीपी स्ट्रांग रहेगी तो कंपनी का रिजर्व वैल्यूएशन बढ़ेगा, कंपनी भी स्ट्रांग होगी, हमारी कंट्री भी स्ट्रांग होगी, तो ये रीजन होता है। तो इंडिया आने वाला 10 से 15 ईयर्स में सर टेक केयर कर लेगा, चाइना का पता नहीं, चाइना के साथ कहाँ तक होगा नहीं होगा, बट देखते हैं, चाइना तो अलग लेवल है सर, 30 साल में क्या किया है और हम लोग क्या किए। तो सर इम्प्रूवमेंट जैसा स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए ना 3 साल का टैक्स बेनिफिट दे रही है, क्या दे रही है? बोला कि जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं भैया, यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, एक DPIIT बोलकर एक आपका सर्टिफिकेशन होता है, वो अप्रूव अगर दे दिया कि आपका स्टार्टअप सही है, जिसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है, सोसाइटी का फायदा है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, तो ऐसे लोग को अप्रूवल मिल जाता है स्टार्टअप फेस पे। अगर वो अप्रूवल मिल गया तो आपका 3 साल तक का टैक्स माफ, क्या माफ? 3 साल तक का टैक्स माफ, कोई टैक्स नहीं देने होता, अच्छा बेनिफिट है, तो लोग क्या करेंगे, दौड़ जाएंगे, तो बिजनेस चलाएंगे। अब बेटा मिलेगा 4-5 ठों को, लेकिन करेगा 100 100 में से 10 तो निकलेगा, चलो 9 फेल हो गया, मतलब 90 फेल हो गया, 10 तो निकलेगा, लेकिन वो 10 कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देगा? तो गवर्नमेंट कैन, मतलब गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है अगर वो करना चाहे, अगर गवर्नमेंट कोई भी एक चीज को डेवलपमेंट करना चाहेगा तो डेवलप्ड हो जाएगा। आज से पहले 10 साल पहले 15 साल पहले आपका सॉल्ट लेक क्या था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं था सॉल्ट लेक, पता कर लेना अपने पेरेंट्स लोग से, पूछो सॉल्ट लेक न्यूटाउन वगैरह क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट बहुत सारा जोन बना दिया, बिजनेस जोन है भैया, इकोनॉमिक जोन है, ACZ जिसको बोलते हैं, ACZ है, EOU बोलकर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा टैक्स का बेनिफिट दिया जाता है।
तो कोई भी एक, जैसा कि बंजर जमीन है, कोई भी एक बंजर जमीन है, अब यहां पर गवर्नमेंट क्या करना चाहता है, इस एरिया को, इस पूरा पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना चाहता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा ना, यहां पर इसको ACZ कर देगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या जोन, या फिर उसको बोलेगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। आपको पता है एक्सपोर्ट करने से बेनिफिट मिलता है ना, तो गवर्नमेंट इस एरिया को EOU डिक्लेयर करता है। EOU का मतलब होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, मतलब अगर आप दुनिया में कहीं पर भी बेच रहे हैं तो GST फेस ये वो सारा चीज लगता है, एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है एक्सपोर्ट का, लेकिन इस एरिया में अगर आप बिजनेस करके भेजते हैं या इस एरिया में अगर आप सेल वगैरह करते हैं तो मान लिया जाएगा कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और जो भी एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलता था वो आपको यहां। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब हो गया है कि जो भी कंट्री का लॉ है वो सब जगह अप्लाई होगा ऑल ओवर इंडिया, लेकिन जो ACZ है इसके लिए स्पेशल लॉ अप्लाई होगा जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करेगी फॉर दिस सेक्टर टू इंप्रूव। यहां पे नॉर्मल इंडियन लॉ जो है वो अप्लाई, इन लोग के लिए कस्टमाइज लॉ अप्लाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए अप्लाई होगा। तो लोग क्या करेगा, ये एरिया में दौड़े जाएगा, अरे चलो लगान सुना है तो चलिए चलो, सब दौड़ के चलेगा, सब दौड़ के आएगा तो यहाँ पर छोटा 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 क्या हो जाएगा, बिजनेस स्टार्ट, समझ रहे हैं। ये जगह धीरे 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 करके 3 से 4 साल में बिल्डिंग बिल्डिंग खड़ा होके यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, सब यहाँ पर क्या करेगी, अपना दुकान लगा लेगी, समझ गए, ये सब छोटा 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 करके दुकान लगाएगी। कैसे डेवलपमेंट होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा धीरे धीरे पता चला भैया 4 से 5 साल में ये पूरा एरिया जो है ये पूरा पैक हो गया बिजनेस, क्लियर हो गया। अब जब बिजनेस ही यहां पर पैक होगा तो हमको बताइए यहाँ पे लोग को हायर करना होगा, कंपनी तो फॉरेन के भी आ सकती है, कंपनी इंडियन कंपनी भी आ सकती है, वो तो पैसा लगाएगी, लेकिन जो लोग चाहिए वो लोग क्या हो, या तो बाहर से हायर करेगी, लेकिन बाहर से कितना लोग को हायर करती है, ज्यादा तो नहीं, ज्यादा जो हमारा अगर लोकल रिक्वायरमेंट ही है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कैलकाटा में कोई ACZ हो गया तो यहाँ पर ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट कहाँ होगा, कैलकाटा के लोग के लिए, बिकॉज पहले लोग लोकल प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि देखिए घर छोड़ के कोई भी रहना नहीं चाहता। जब भैया हम किसी का दूसरा जगह में घर खोजने जा रहे हैं और वहां पर ऑलरेडी दोस्त नॉलेज जो मेरा वर्क है वहां के लोग हैं काम करने वाले, तो हम पहले इसको लेंगे या फिर लेके जाएंगे, पहले उसको लेंगे, तो यहां से क्या होगा सर, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, समझ रहे हैं, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो लोग यहां पर काम करेंगे, लोग यहां पर काम करने आ गए हैं, तो यहां पर 4 से 5 हजार, 10 हजार का यहां पर सपोज मान लो 1 लाख लोग यहां पे काम कर रहे हैं पूरा ये सेक्टर में, तो 1 लाख इंप्लॉयमेंट जनरेट हुआ। अब 1 लाख लोग यहां पर काम करेंगे तो इसके लिए सड़क अच्छा बनाना होगा जाने आने के लिए, समझ रहे हैं, तो ये पूरा जो सड़क वगैरह हो गया, जो एरिया वगैरह हो गया, उसको पूरा डेवलपमेंट करना होगा। अगर ये एरिया बहुत दूर है तो यहां पर रेलवे, समझ रहे हैं, मेट्रो, ये सब चालू करना होगा। अब यहां पर 1 लाख लोग में मेल फीमेल दोनों होंगे, आपस में बात करेंगे तो गार्डन फार्डन बनाने होगा, समझ रहे हो, धीरे धीरे फिर बातचीत करते 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 प्यार मोहब्बत होगा, शादी होगा, शादी हो गया तो भाई साहब है ना, बच्चा होगा, तो बच्चा होगा तो क्या बनाना होगा, स्कूल बनाना होगा, शादी हो जाने के बाद में सर हॉस्पिटल बनाना होगा, प्यार मोहब्बत करने के लिए मॉल फॉल बनेगा, थिएटर बनेगा, पार्क बनेगा, समझ रहे हैं, और फिर इन लोग कहाँ रहेगा, तो यहाँ जो बुत्ती है छोटा छोटा जगह यहाँ पर क्या बनना चालू होगा, होम बनना चालू होगा। आप देखोगे सॉल्ट लेक में जाओगे तो करुणा मुहिम पे जाओगे ना, देखोगे पूरा जगह बना हुआ रेसिडेंशियल फ्लैट करके, विप्रो के पास से अगर जाओगे ना, तो विप्रो के पास से तो पूरा बिजनेस सेक्टर हो गया, वहां रेसिडेंशियल नहीं मिलेगा, लेकिन जो करुणा मोई के साइड से आप वहां पर देखोगे ना, तो वहां पर कुछ कुछ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना हुआ, तो लोग क्या करते हैं कि भाई उतना दूर नहीं रहना है, यहाँ ऑफिस है उसके पास में घर रहना है, तो यहाँ पर धीरे धीरे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनना चालू हो जाएगा, रेंट में भी मिलना चालू होगा, और 20 साल में जो मेरा बंजर जमीन था ये पूरा चकाचक सॉल्ट लेक सेक्टर 5 बन जाएगा। सर सो दिस इज द वर्क ऑफ डेडिकेशन कमिटमेंट एंड पेशेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसी। इसीलिए जितने भी लीडर होते हैं सब विजनरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उनका विजन स्ट्रांग होना चाहिए, आज का नहीं सोचना उनको, आने वाला 10 से 20 साल के बारे में सोचना, यही जगह में क्या करना, कैसे करना,
और फिर उसको पॉलिसी बना के क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो हमारा लाइफ क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो दिस इज द रीजन कि गवर्नमेंट ये सारा बेनिफिट देती है। क्लियर हो गया सर, ये थोड़ा सा ज्ञानबाजी दी है। देखिए सर, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स में यहां पर अपने लोग ऊपर में लिखिए, ऊपर में लिखिए। एक क्वेश्चन इसमें से आता है सर, क्या आता है सर, एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। नेम एनी फाइव इनकम। अच्छा, 13। अच्छा सर, हेडिंग पे लिखे नेम एनी फाइव इनकम, नेम एनी फाइव इनकम विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। नेम एनी फाइव इनकम विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। देखिए सर, तो यहां पर ऊपर में लिखे नेम एनी फाइव इनकम विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो आपको यहां पर बेसिकली क्या पढ़ना है, कोई भी पांच इनकम के बारे में पढ़ना है विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, समझ गया है? एक बार देखिए क्या क्या है। सबसे पहले है सर एग्रीकल्चर इनकम, क्या बताइए, एग्रीकल्चर इनकम भेज दिए तुमको, एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में अगर आप कमा रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट होगा सर। एग्रीकल्चर इनकम अगर आप इंडिया में कमा रहे हैं, इंडिया में कमा रहे हैं तो क्या होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। जैसे कि यहां पर क्या लिखा पड़िए, एग्रीकल्चर इनकम, इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन इंडिया। तो आप अगर इनकम कमा रहे हैं, कौन सा इनकम, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। रिमेंबर एग्रीकल्चर लैंड क्या था, पढ़े आपने लोग, जो लैंड कहाँ पर होगा, अर्बन एरिया है तो फिर आपका रूरल एरिया पे, रूरल एरिया पे। जो हमारा केएमसी का जुरिडिक्शन है उसे 8 किलोमीटर के बाद, 8 किलोमीटर के बाद में, उसके बाद में जो एरिया है उसको रूरल एरिया बोलते हैं। वहां पर अगर कोई लैंड है तो उसको एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे, अगर वहां पर आप फार्मिंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो उसको एग्रीकल्चर ऑपरेशन बोलते हैं। उससे अगर आप पैसा कमा रहे हैं इंडिया में तो वो क्या होगा सर, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए एग्रीकल्चर इनकम को हमारा एग्जेम्प्ट किया है। बट मैं भी आपको बताऊंगा ये एग्जेम्प्ट है नहीं, एक्चुअल में आपको घुमा के लिया जा रहा है, एग्जेम्प्ट बोल के एग्जेम्प्ट दिया है लेकिन एग्जेम्प्ट पूरा नहीं है, हिसाबबाजी इसमें। तो ये अपने लोग एक चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम का, इसके बाद अपने लोग वो पढ़ेंगे।
दूसरा जो है सर मेंबर शेयर्स इन इनकम ऑफ एचयूएफ, मेंबर शेयर्स इन इनकम इन एचयूएफ। अब ये क्या है सर, ये मैं आपको बात बता रहा हूं ना, ये जो यहां पर पॉइंट दिया है ये बेसिकली एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है, इसको क्यों एग्जेम्प्ट किया, पहले इसमें पढ़िए, मेंबर शेयर्स इन इनकम ऑफ एचयूएफ में इनकम इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ एसएससी इफ एसएससी रिसीव एनी इनकम ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएफ एज मेंबर शेयर। मतलब इनकम जो मेंबर के हैंड पे आ रहा है, किसके हैंड पे, मेंबर के हैंड पे आ रहा है, और एचयूएफ का उसका इनकम को क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट करता है। सेम इसी तरह से पढ़िए, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ फर्म एलएलपी, इनकम इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड ऑफ एसएससी इफ एसएससी रिसीव एनी इनकम ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी एज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट शेयर बोलकर वहां से पैसे लेते हैं तो मेरा एज अ पार्टनर के हैंड में क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। क्यों एग्जेम्प्ट होगा, रीजन समझिए क्यों एग्जेम्प्ट होगा। रीजन इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर में टैक्स हो चुका है। कैसे, ये गवर्नमेंट यहां पर एचयूएफ और ये सारा को क्यों बना रहा है। अगर मान लीजिए मेरा फर्म है, ए है बी है सी है, तीनों मिलकर फर्म किया, क्या हो गया ए बी सी। अब तीनों मिलकर फर्म कर रहे हैं तो फर्म का क्या है सर, अलग पर्सन हो गया। फर्म क्या है, अलग पर्सन है, इसका अलग पैन कार्ड बनता है, पता होगा आप लोगों को। तो अलग पैन का मतलब क्या है, ये मेरा अलग आइडेंटिटी है। अब ये तीनों मिलके साल का 9 लाख रुपया कमा रहा है, सपोज ये लोग 1 लाख रुपया, या मान लीजिए कि इन लोग 10 लाख रुपया कमा रहा है, 10 लाख रुपया से मैं इन लोग 1 लाख रुपया टैक्स दे चुका है तो बचा कितना, 9 लाख। अभी 9 लाख ये आपस में क्या करेगा, बांट लेगा, आपस में लोग अपना बांट लेगा, तो ये ले लेगा 3 लाख रुपया, ये ले लेगा 3, ये ले लेगा 3, पूरा 9 लाख रुपया बढ़ गया। अब हमको बताइए, गवर्नमेंट अगर इंडिविजुअली इन लोग से पैसा लेने जाता तो गवर्नमेंट को 3 लोग के पास जाना पड़ता, प्लस इनका एडमिन कॉस्ट इंप्रूव होता। 3 लोग के पास जाना मतलब 3 का फाइल मेंटेन करना, उसके लिए लोग भी मेरे को ज्यादा पड़ सकते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, तो गवर्नमेंट क्या कह दिया, ये तीनों को अलग अलग नहीं लेके, गवर्नमेंट क्या बोला कि भैया तुम लोग मिलकर साथ में तो बिजनेस कर रहे हो, हम तुम लोग से अलग अलग नहीं लेंगे, तुम लोग जो बिजनेस से जो तुम प्रॉफिट कमा रहे हो इस प्रॉफिट के ऊपर में हम टैक्स चार्ज कर देंगे इन द नेम ऑफ फर्म, इन द नेम ऑफ। इसलिए कंपनी क्या करती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी, उसे डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर लोगों, तो डिविडेंड के ऊपर में अभी टैक्स किया, लेकिन पहले क्या था, कंपनी से ही प्रॉफिट ले लेते थे, मतलब कंपनी से ही टैक्स ले लेते थे। कंपनी से अगर टैक्स ले लिए तो भाई साहब जो अगला बंदा है जो वो रिसीव कर रहा है पैसा, वो तो ऑलरेडी टैक्स लेस किया हुआ है, तो फिर उसके हैंड में फिर से टैक्स कर देंगे क्या, तब तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा दो बार। मतलब फर्म के ऊपर में भी टैक्स आप 1 लाख रुपया काट लिए, अब जो बेटा इंडिविजुअल के पास 3 लाख रुपया है इसके ऊपर भी टैक्स चार्ज कर रहे हैं, ये भी दे, ये कैसे बात होगा भाई साहब, एक इनकम के ऊपर में दो बार टैक्स होगा, एक इनकम के ऊपर में दो बार टैक्स होगा, मजा आ गया क्या। एक लॉ है तो भैया एक टैक्स होगा, जा बेटा दूसरा लॉ बना, कब देंगे, नहीं देंगे भाई, क्यों देंगे, चीज क्लियर हुआ। तो इसीलिए जब इसके हैंड में ऑलरेडी टैक्स हो चुका है, इसीलिए जो मेंबर है पार्टनर है उनके हैंड में उस चीज को क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। अब बताओ एग्जेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, कुछ एहसान किया क्या, अगर टैक्स कर लेते तो मार खाता, झगड़ा खाता, गवर्नमेंट पलट, समझ गए। इसीलिए इसका हैंड में क्या कर दिया सर, एग्जेम्प्ट कर दिया, क्या कर दिया सर, एग्जेम्प्ट कर दिया, याद रखेंगे। दूसरा क्या है सर, डेट रिटायरमेंट ग्रेचुटी, ये अपने लोग पढ़ेंगे, ये अपने लोग पढ़ेंगे डेट रिटायरमेंट ग्रेचुटी, ये हमारा सैलरी के चैप्टर में पढ़ेंगे, कहां पे पढ़ेंगे, सैलरी के चैप्टर में पढ़ेंगे। जब सैलरी के चैप्टर में जाएंगे तो सर ग्रेचुटी मिलता है, क्या मिलता है, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होता है कोई बताएगा, ग्रेचुटी क्या होता है, पेंशन क्या होता है, पेंशन, पेंशन रिटायरमेंट के बाद आपको मंथली पैसा मिलता है, सिंस आप 20 साल 15 साल किसी कंपनी में रहेंगे तो पूरा जवानी वहां दे दी, जवानी वहां दे दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उस कंपनी का ग्रोथ में अपना पूरा टैलेंट दिए। अब जब बूढ़े हो गए आप, बूढ़े हो गए आप, जब आपका सेहत वगैरह नहीं रहा तो लॉजिक क्या है, अब आप उतना नहीं कमा पाएंगे, तो जो कंपनी है वो आपको बुढ़ापा पे, मतलब आपका रिटायरमेंट वाली एज में सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी देती है एज अ पर मंथ के बेसिस में, सो डैट आप खाते पीते रहे, आराम से अपना लाइफ चलाते रहे, इंजॉय करते रहे और फिर मर जाए।
दैट इज व्हाट पेंशन इट इज। ये क्या है? पेंशन। तो पेंशन का लॉजिक यही है सर। तो आप लोग भी यही करिएगा, जितना भी कमाना है वो 45 साल तक भाई साहब, उसका बाद से डाउन, फिर चालू होगा। समझ गए? पेट खराब, ये खराब, वो खराब, सब खराब होना चालू होगा। जहां बेटा 55 पार की हो फिर दिखेगा अगला लोग। तो इसलिए जितना पैसा कमाना है 45 साल तक का, 45 साल के बाद में इतना रुपया रख दोगे कि आने वाला 20 साल कम से कम तुम बैठ के खा पाओ। तो अदरवाइज बाबू अभी सब माँ बाप को बाहर फेंक रहा है, तुम लोगों को तो पता नहीं आसमान में फेंक गया कहाँ फेंक गया। तुम लोगों को टाइम में तो और काफी ह्यूज चेंजेस होने वाला, समझ गए? बहुत जरूरी है सब चीज। क्लियर हो गया? तो सर ये अपने लोग पढ़ते हैं पेंशन में। पेंशन में अपने लोग पढ़ेंगे। अच्छा है, ग्रेजुएट ही होता है ना, कोई भी कंपनी में अगर आप 5 साल से ज्यादा रहते हैं देन आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रेजुएटी लेने के लिए। ग्रेजुएटी मिलता है रिवॉर्ड। क्या मिलता है? रिवॉर्ड। कंपनी के साथ में आप लॉयल रहे हैं, इतना साल तक काम किए, इसलिए आपको ग्रेजुएटी दिया जाता है। सिंस कंपनी ग्रो कर रही है, तो कंपनी ग्रो करती है तो आपका सैलरी के अलावा भी आपको पैसा दिया जाता है, जिसको ग्रेजुएटी बोलते हैं। तो नॉर्मल पूरा साल का 15 दिन का पैसा मिलता है। कितना मिलता है? 5 साल के बाद एलिजिबल होता है। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद एलिजिबल होता है, और पूरा साल का 15 दिन का पैसा आपको ग्रेच्युटी के तौर पे मिलता है। क्लियर है? तो आप अगर 20 साल रहे हैं तो जोड़ दो 15 दिन का सैलरी इंटू 20 ईयर्स, कितना पैसा मिलेगा ग्रेच्युटी को। तो ये ग्रेच्युटी और ये सारा चीज लीव इन कैशमेंट होता है। हर साल में 1 महीना का छुट्टी मिलता है ऑलमोस्ट एवरी कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी है ना। गवर्नमेंट कंपनी में ज्यादा छुट्टी मिलता है, इसलिए लोग गवर्नमेंट कंपनी में जाता है। समझ रहे हैं? तो ये छुट्टी अगर आप नहीं लेते हैं और काम करते हैं तो वो छुट्टी को आप इन कैश करा सकते हैं और उससे अपनी कंपनी से पैसा ले सकते हैं। क्लियर है? इसको लीव इन कैशमेंट बोलते हैं। ठीक है? तो ये सारा चीज अपने लोग पढ़ेंगे। इसमें बेनिफिट दिया गया है सर, एग्जेम्पशन दिया गया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी, इसको दिया गया। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और रिटायरमेंट के बाद में अगर ये पैसा अगर आप रिसीव करते हैं तो एग्जेम्प्ट कोई टैक्स। गवर्नमेंट क्यों, मतलब गवर्नमेंट जॉब क्यों करना चाहते हैं लोग, मैं आपको सैलरी के चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है? तो ये वाली पॉइंट यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, और भी बहुत सारा चीज है। तो उसमें नेक्स्ट में क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कंपेंसेशन अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट। तो भोपाल गैस जो आपका ट्रेजेडी हुआ था हमारा 1985 में है ना, सॉरी 1982 में हुआ था, 85 में एक्ट है उसके ऊपर में। तो जो लोग उससे पीड़ित हुए हैं, जो लोग सहे हैं, तो उनको कंपेंसेशन दिया गया। अब वो कंपेंसेशन को इनकम टैक्स वाला क्या कर दिया सर, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया। क्या कर दिया? एग्जेम्प्ट कर दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट में एनी सम रिसीव अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या बताइए? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी पैसा अगर आप रिसीव करते हो तो क्या होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। एनी सम रिसीव सरेंडर मेच्योर्ड अमाउंट अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस, सच पॉलिसी इज होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही है ना, लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न कंट्री में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों में डिफरेंस है। वेस्टर्न कंट्री में जितने भी सब लोग कमाने वाले हैं कोई डिपेंडेंट किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंडियन कल्चर में क्या है, एक कमाने वाले 6 खाने वाले। अब इश्यूज ये हुआ कि भैया एक कमाने वाला अगर कुछ हो गया उसको, अगर उसका डेथ वगैरह हो गया, उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह हो गया, डेथ हो जाता है, तो बाकी 6 लोग सड़क में आ जाते हैं, है ना। तो इसलिए इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस काफी फेमस है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब आप इंश्योरेंस करवाएं, अब आप 10 साल 20 साल के लिए इंश्योरेंस कराएंगे तो एक पॉलिसी अमाउंट होता है सपोज 50 लाख। अब अगर 20 साल में आपको प्रीमियम देना है पूरा उसी हिसाब से, राइट? अगर आप 20 साल में का डेथ हो गया तो आप सपोज 2 साल में डेथ हो गया तो पूरा 50 लाख आपका नॉमिनी को मिल जाता है। समझ रहे हैं? विच इज अ बिग अमाउंट। तो बाकी जितना भी फैमिली है वो अपना कुछ ना कुछ गुजारा कर लेते हैं। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस यहाँ जरूरी है इंडियन कल्चर में, और गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? प्रमोट करना चाहता है, बेनिफिट देना चाहता है, लोगों को इनकरेज करना चाहता है करने के लिए, तो उसको बेनिफिट देना पड़ेगा। इसलिए गवर्नमेंट क्या किया कि लाइफ इंश्योरेंस जो आप कराएंगे ना, हर साल जो प्रीमियम देते हैं उसको डिडक्शन में एग्जेम्प्ट किया। अपने लोग पढ़ेंगे डिडक्शन का चैप्टर, 80C में उसको एग्जेम्प्ट किया, मतलब जितना आप पैसा दे रहे हैं उसको माफ कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया 1.5 लाख तक। कितना तक का? 1.5 लाख तक का साल का प्रीमियम एग्जेम्प्ट कर दिया। और प्लस 10 साल के बाद में जो आप पैसा रिसीव करेंगे ना क्लेम के तौर पे, उसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया। क्या कर दिया? तो लोग क्या करेगा, कराएगा। इसीलिए यहां पर याद रखिएगा एनी सम रिसीव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है सर, एग्जेम्प्ट होता है। एनी सम फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये अकाउंट होता है ठीक है, जिसमें सेविंग्स वगैरह करने के लिए है, ये सारा चीज है।
एनी सम रिसीव फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये प्रोविडेंट फंड में पैसा डालते हैं, पता आप लोगों को प्रोविडेंट फंड क्या है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन ट्रस्ट, अप्रूव सुपर एन्यूएशन फंड, ये सब फंड क्रिएट होता है जब आप किसी भी कहीं पे जॉब में काम करते हैं ना, तो वो जॉब में आपका वर्क के हिसाब से आपका सैलरी से कुछ पैसा काटा जाता है पेंशन के तौर पर, पीएफ जिसको बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड है ना। तो वो पैसा काट के क्या करता है ना इंप्लॉयर, आपका एक नेशनल पेंशन स्कीम है, ग्रेच्युटी फंड है जिसको इंडियन गवर्नमेंट टेक केयर करती है, वहां पे पैसा डिपॉजिट करता है, इट इज लाइक अ सेविंग्स फॉर यू, ठीक है। और जितना पैसा आपका सैलरी से कटता है, द सेम इक्वल अमाउंट इंप्लॉयर भी पैसा डिपॉजिट करेगा अपने एंड से, अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी, समझ रहे? और ये आपका सेविंग्स के ऊपर में, कल को अगर आप छोड़ दिए जॉब वगैरह, छोड़ दिए कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो पैसा आप विदड्रॉ कर सकते हैं अपने यूज करने के लिए। तो दिस इज द लॉजिक ऑफ प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम, तो वहां से भी कुछ पैसा आता है, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट में सर स्कॉलरशिप क्या है? स्कॉलरशिप, आप लोग जो माइनॉरिटी से स्कॉलरशिप उठाए और उठा रहे हैं यहाँ यहाँ से स्टेज वगैरह में, यहाँ स्कॉलरशिप मिला, वहां पाँव पर रहे, यहाँ बैठ रहे हैं, तो जो स्कॉलरशिप का जो पैसा आपको मिलता है इन द नेम ऑफ स्कॉलरशिप, वो क्या होता है सर? एग्जेम्प्ट होता है, बट ये किसके लिए होगा? टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इट इंक्लूड्स इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, एग्जेम्पशन अलाउड इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस, जितना भी आप खर्चा करोगे उसको कोई मतलब नहीं है, पूरा स्कॉलरशिप क्या हो जाता है? एग्जेम्प्ट हो जाता है। और भी बहुत सारा है सर, अब देखिए आया है डेली अलावेंस कंस्टिट्यूएंसी और एनी अलावेंस टू एमपी एंड एमएलए। आपको पता है एमपी एमएलए लोग जो यहाँ पे 5 साल के लिए खड़ा होते हैं, इन लोग ऐसे खड़ा होते हैं क्या सर? इन लोगों को पैसा मिलता है, दे विल गेट सैलरी, दे विल गेट सिटिंग फीस इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो बैठते हैं तो उन लोग को सिटिंग फीस मिलता है, सैलरी मिलता है, पे आउट मिलता है, अलावेंस मिलता है, गाड़ी मिलता है, घर मिलता है, समझ रहे हैं? साल का 5 करोड़ रुपया मिलता है एमएलए को डेवलप करने के लिए अपने एरिया को, वो अलग ग्रांट है, प्लस इसके अलावा भाई साहब उसका तो कमाई बहुत है, लोग इसलिए क्या करते हैं? क्योंकि नेतागिरी में क्या है, दोनों जगह से, यहां से भी नीचे से, ऐसा ही भाई साहब, और पावर तो अलग है ही, और क्या चाहिए जिंदगी में? क्लियर हो गया? अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स क्या बताइए सर? अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, अगर कोई भी अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, या यहाँ पे मार्क कर लिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो एग्जाम्पल। नेक्स्ट में पेंशन टू द रिसीवर ऑफ गैलेंटरी अवार्ड, जिन लोगों को महावीर चक्र मिल रहा है, परम चक्र भी मिल रहा है, राइट, इन लोग को जो अगर गवर्नमेंट कुछ पेंशन रिसीव कर रही है, क्या दी है? पेंशन देती है, तो वो पेंशन को भी क्या किया जाता है? एग्जाम्पल किया जाता है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे हमारे इंडिया के जेम हैं, बहुत सारे डिग्नेटरीज हैं जो कि इंडिया में काफी, मतलब उनकी कल्चर डेवलपमेंट में काफी सपोर्ट किए हैं, उन लोगों को इंडियन गवर्नमेंट अगर कुछ पैसा देता है, रिवॉर्ड देता है फॉर देयर टेक केयर बेनिफिट के लिए, ओल्ड एज के लिए, तो क्या है? एग्जेम्प्ट, ठीक है। फैमिली पेंशन टू विडो और चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस, समझ रहे हैं? आप देख रहे हो ना ये सब चीज क्या होना चाहिए? एग्जेम्प्ट होना चाहिए ना सर, उसके हैंड में टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। पैलेस ऑफ एक्स रूलर, एक्स रूलर मतलब पहले के टाइम में नवाब है ना, तो नवाब, तो सर नवाब लोगों का शौक बहुत बड़ा था, तो महल भी बहुत बड़ा था, बेटा 10 महल में 10 रानी हुआ करती थी, अब खत्म, वो सब कहानी खत्म, वो सब कहानी खत्म, अब उसका 10 महल तो है, रानी नहीं बची, रानी तो चले गए अलग अलग राजा के पास, राजा खत्म हुआ तो रानी के भाग गए, लेकिन 10 पैलेस तो है। तो ये बात तब कहना जब अपने लोग डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए थे, और जितना भी रूलर से डिक्टेटर से सब हट गया था, तो अब यहाँ पर पैलेस तो है, अब वो पैलेस का पूरा पेपर ऊपर पूरा भी डॉक्यूमेंट किसके पास है? नवाब लोग के पास है, लेकिन वो पैसा कहाँ से कमाया? कमाया नहीं, छीन के आया सब, सब तो छीन के पैसा किया ना। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट क्या बोला कि भैया एक पैलेस आपको रखने देंगे, उसके अलावा जितना पैसा सब छीन लेंगे, समझ गए? एक पैलेस आपको देंगे, वो एग्जेम्प्ट कर दिया। एक पैलेस देखिए क्या लिखा हुआ, दी एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन पैलेस व्हिच इज ऑक्यूपेशन ऑफ द एक्स रूलर, वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसके अलावा अगर जितना भी पैलेस है वहां से पैसा कमा रहे हैं तो वो टैक्सेबल कर दें, उससे इनकम क्या करेंगे? टैक्सेबल कर दें। कुछ कुछ पैलेस आपको पता है भाड़े पे चलता है, आपको पता है जितना भी फुल फिल्म शूटिंग वगैरह देखे राजस्थान वगैरह ये सारे में पैलेस वगैरह में जो आप लोग देखते होते हैं शूटिंग वूटिंग होता है, राइट, वो सब भाड़े पे होता है सर, शूटिंग चलता है वहां पर, एक एक दिन का 1,00,000 रुपया 5-5 लाख रुपया शूटिंग का पैसा मिलता है एक दिन के लिए। तो वहां से जो पैसा कमा रहा है तो पैसा किसके पास जा रहा है? नवाब।
गवर्नमेंट का नवाब, तो नवाब के पास पैसा आया फिर गवर्नमेंट उसे क्या लेगी, टैक्स दो। इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, क्या बताइए, इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब केएमसी हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, यस, नहीं, काउंसिलर लोकल अथॉरिटी नहीं है, केएमसी हो गया, ठीक है, कंटोनमेंट बोर्ड हो गया, मिलिट्री का जो बोर्ड है, मिलिट्री का जो कैंप है वहां पर वो हो गया, पंचायत वगैरह हो गया, इसके अलावा ट्रेड यूनियन हो गया, इनकम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इनकम ऑफ न्यूज एजेंसी। सर न्यूज एजेंसी में याद रखिएगा जो गवर्नमेंट न्यूज एजेंसी, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड, पीटीआई, जितना भी न्यूज वगैरह का हेड कौन है, हेड 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 पीटीआई, इसका नाम नहीं सुने आप, बिकॉज ये गवर्नमेंट कंपनी, समझ रहे हैं, जितना भी टावर वगैरह इंडिया में बना हुआ है सब किसका है, जियो का, किसका है आपका, वोडाफोन का, आइडिया का है, किसका टावर है सर, बीएसएनएल टावर किसका है, मतलब रूट जो पिलर बना के रखा है जिसमें सब अपना अपना खेत फल लगा के रखा है वो रूट किसका है, बीएसएनएल, बीएसएनएल किसका है, गवर्नमेंट, लेकिन कमा रहा है कौन, फल वाला लगाने वाला, जियो, ये लोग सब पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट में सर इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड एम्प्लॉयर फंड, ये सब सब पढ़ लीजिएगा, इसमें से कुछ कुछ चीज हमको बताना है। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और उससे कोई भी पैसा वगैरह रिसीव करते हैं वो भी क्या है सर, एग्जेम्प्ट होता है। इनकम ऑफ ट्रेड यूनियन, याद रखिएगा सर ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन का अगर आपका मतलब फैक्ट्री वगैरह में यूनियन है तो उसको ट्रेड यूनियन अपने लोग बोलते हैं, तो ट्रेड यूनियन में अगर कोई भी इनकम आता है तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। इनकम ऑफ शेड्यूल टाइप एसटी, क्या बताइए, एसटी, शेड्यूल टाइप के जो भी पर्सन बिलोंग करते हैं उनका इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट में इसके बाद इनकम ऑफ सिक्किमीज, ऊ साहब जी सुने दो, इन लोग का इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। क्या बोला इसमें, इनकम ऑफ इंडिविजुअल बीइंग अ सिक्किमीज इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम आइदर बाय वे ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बट एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू अ सिक्किमीज वुमेन हु ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2008 मैरिज एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिक्किमीज। छीन नहीं है, समझे, आप सिक्किम में रहते हैं तो सिक्किम के जितने भी स्टेट है वहां से अगर पैसे वगैरह आता है कुछ भी इनकम करते हैं तो उसमें इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन सिक्किम में से अगर इंडिया के बाहर आ गया, मतलब सॉरी स्टेट के बाहर आ गया और दिल्ली वगैरह में काम करता है, यहाँ पे काम करता है तो टैक्स लगेगा। कोई बिजनेस अगर वहां पे काम करता है सिक्किम में और वो सिक्किमी लोकल है तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन कोई बेटा टैक्स करने के चक्कर में वहां सिक्किमीज वुमेन से शादी कर लिया तो फिर टैक्स का बेनिफिट हमको तो नहीं मिलेगा, लेकिन वाइफ जो है मेरी सिक्किमीज उसको भी नहीं मिलेगा, वो खत्म हो गया। तो बेसिकली क्या कर लिया, बैरियर कर दिया है ना, दो प्यार के बीच में उन्हें बैरियर हो गया, टैक्स का बैरियर, शादी नहीं कर सकते आप। अब जो सिक्किमीज वुमेन अगर सीए वगैरह करी, पढ़ाई वढ़ाई कर ली, टैक्स वगैरह का तो कभी नहीं करी, ला रे बाबा, एक बेनिफिट था वो भी खत्म। तो गवर्नमेंट सर काफी रूड है। नेक्स्ट मैंने देखिए इनकम ऑफ माइनर, क्या बताइए, माइनर का इनकम सर, बच्चा बच्चा बच्चा, अभी बच्चे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, माँ बाप को पाल रहा, माँ बाप क्या पालेगा। अब जैसा हे बेबी में एक बच्ची है, क्यूट है, देखिए हे बेबी, अक्षय कुमार और फरदीन खान का जो मूवी था, कितनी क्यूट बेबी थी, आपको क्या लगता है, वो क्यूट बेबी जो एक्टिंग कर रही है, जो मूवी वगैरह में आई, फ्री ऑफ कॉस्ट आई है, उसको पता भी नहीं वो कितना पैसा कमाई है, उसका माँ बाप को पता है। तो वो जो पैसा कमाई है, वो जो पैसा मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, उसके पेरेंट्स को मिल रहा है, लेकिन कमाया कौन, माइनर, माइनर, माइनर पता अपने लोग 18 साल से कम है, तो अभी जैसा आपका सुपर चाइल्ड वगैरह है, बहुत सारे स्टार चाइल्ड वगैरह, राइट, तो उन लोगों को पैसा मिलता है, दे आर वेरी वेल पेड, माँ बाप क्या चलाएगा, खर्चा वो अभी 6 साल से चला रहा है ना, माँ बाप खुश, ओह क्या लड़का जन्म दिया है, और क्या चाहिए, वो प्लानिंग कर रहा है एक और ऐसा निकलेगा क्या, अब वो सोच रहा भैया एक ठू से तो ऐसा खुश है, अब एक और चलो ना देखते हैं, माइंड भी चांस एक और सुपर स्टार चाइल्ड निकल जाए, भैया फिर तो धन्य है यार, क्या करना है, लोग का भी ये सब कलाकारी हो रहा था। तो मान लीजिए तो ये जो इनकम बच्चे लोग कमा रहा है तो बच्चे का तो पैन कार्ड नहीं होगा, बच्चे तो टैक्स वगैरह नहीं करेगा, बात समझा रहा है, तो किस किस में क्लब होगा, ये क्लब होगा इन द हैंड ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के हैंड में क्लब हो जाएगा, किसका, माँ या बाप, जिसका इनकम ज्यादा है, इसका इनकम ज्यादा है, तो यहां आप अपनी बीवी के साथ गेम खेल सकते हैं,
समझे, उसका इनकम को ज्यादा दिखा देंगे, जहां झगड़ा हुआ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बड़ा बदला तो से लेंगे। सर क्लियर है, बट यहाँ पर माइनर का इनकम को एग्जेम्ड कर दिया है, क्या कर दिया, बोला स्टार चाइल्ड है, बच्चा है, अरे बच्चा लोग से पैसा लेंगे भाई, दिमाग खराब है, हम गवर्नमेंट बच्चा लोग कमा रहे हो, लोग से टैक्स लेंगे, सर क्या बोल रहे हैं आप, अरे बच्चा लोग है, चाइल्ड लोग है, एग्जेम्ड किया है सर, कितना एग्जेम्ड किया है, इनकम अप टू 1500 पर आना, सर 1500 रुपये साल का इनकम एग्जेम्ड करते हैं हम आपका, और बताइए। एक गवर्नमेंट है, माइनर का इनकम एग्जेम्प्ट किया, कितना किए, साल का 1500 रुपए एग्जेम्प्ट किए, क्या खुश क्या प्राउड बताइए, समझ रहे हैं, जब हम 1500 पढ़ा था ना हम भी शॉक थे, साला अच्छा हुआ बच्चों में पैसा नहीं कमाया। नेक्स्ट में सर डिविडेंड इनकम क्या है बताइए, अब ये डिविडेंड इनकम ये भर गया, इसको आप टैक्सेबल लिखिए, हाँ ये डिविडेंड इनकम ये भर गया है, ये अब टैक्सेबल हो गया, ठीक है ये टैक्सेबल हो गया। नेक्स्ट में सर इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इनकम्स फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट ट्रस्ट, ये भी टैक्सेबल है, ठीक है। न्यू पेंशन ट्रस्ट, न्यू पेंशन ट्रस्ट, एक पेंशन स्कीम है वहां पर भी आपका पैसा अगर मिलता है वहां से भी एग्जेम्प्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट मेरे को बताना है, रिवर्स मॉर्गेज, अगर रिवर्स मॉर्गेज के भी थ्रू अगर आपको कोई पैसा वैसा मिलता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, ये रिवर्स मॉर्गेज जो है ना ये काफी अच्छा है, ठीक है, और मैं जब भी इनकम एग्जेम्प्टेड पढ़ाता हूँ ना तो मैं इस टॉपिक को जरूर पढ़ाता हूँ, बस मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कभी ना कभी आफ्टर 20-30 इयर्स कुछ काम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम हुआ है कि जब हमारा पीसी थे, पीसी जब हमारा प्राइम मिनिस्टर सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर था पी चिदम्बरम, पीसी फॉर प्रियंका चोपड़ा ने, पी चिदम्बरम, ठीक है, जब वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने देखा कि ओल्ड एज लोग होमलेस काफी ज्यादा है, क्या बताइए, होमलेस काफी ज्यादा, ठीक है, और जब इन्होंने बजट में प्रेजेंट किया था ना तो लिटरली ही वाज क्राइंग, मतलब आउट ऑफ इमोशनल, ऐसा नहीं कि हमारे पास सब लीडर एक जैसा नहीं है, इमोशनल सेंटिमेंट भी है, जब इन्होंने बजट में जब ये वाला कॉन्सेप्ट को स्कीम किया था पेश किया था तो लिटरली ही वाज क्राइंग इन हिज आईज। तो आप 1997 का बजट देखेंगे, बजट रिप्रेजेंट बाई द पी सी चिदम्बरम, तो वो बजट को समझ आइए ड्रीम बजट बोला जाता है अब तक का हमारे मतलब कंट्री में, जिस तरह से हुआ ना ये आपका फरवरी महीने में जो बजट अनाउंस होता है, तो 1997 में जो बजट अनाउंस होता है बाई द पी चिदम्बरम, तो वो बजट देखिएगा क्या था उस वक्त के लीडर का, अगर स्पीच देखेंगे उस वक्त का लीडर का देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हमारा कंट्री इतना दूर तक और इतना डेवलप कैसे किया, समझ रहे हैं, तो कुछ कुछ लोग लीडर हैं वैसे अभी भी। तो सर इन्होंने देखा कि ओल्ड एज जो है ना वो काफी होमलेस है, दो दे हैव होम, उन लोग का घर है लेकिन फिर भी उन लोग होमलेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर इनकेपेबल चिल्ड्रन, इनकेपेबल और केयरलेस चिल्ड्रन के वजह से, बिकॉज इन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया पढ़ाया वगैरह, तो ठीक है। अब हर एक का ना एक गिव एंड टेक रिलेशन होता है सर, याद रखिएगा लाइफ में, आप लोगों का लाइफ में कुछ भी अगर आता है ना तो गिव एंड टेक रिलेशन, अगर आप गिव कर रहे हैं तो टेक भी करना है, मतलब सॉरी अगर आप टेक करें तो गिव भी करना आपको, तभी रिलेशन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय। अगर कोई आपको प्यार कर रहा है आप उससे रूड बिहेव कर रहे हो तो ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉरएवर, छोड़ देगा चल जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो जितना भी रिलेशन होता है ना वो आपका रेसिप्रोकेट होता है, तो आपके पेरेंट्स लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं बच्चा से खिलाते हैं, आप लोग का वीडियो वगैरह फोटो वगैरह तो था पहले के टाइम तो नहीं था, अभी तो आप पूरा अपना जर्नी देख सकते हैं 5 ईयर्स में कैसे बड़े हुए नहीं बड़े, राइट, तो आपको समझ में आता है कि आपका पेरेंट्स कितना टेक केयर करते हैं। जब आप बड़े हो जाओगे जब आप शादी वादी कर लोगे तो आपको समझ में आएगा कि पेरेंट्स कितना टफ होता है और कितना डिफिकल्ट है, राइट। तो आप अगर आपके पेरेंट्स हैं तो उन लोगों का एक एक्सपेक्टेशन है, क्या एक्सपेक्टेशन है,
कि जिस तरह से आपको वो बड़े कर रहे हैं, आपका ख्याल रखे हैं, आपको कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पैसे से, जान से, माल से, सपोर्ट से, इमोशनल से, हर एक वे में आपके साथ रहते हैं, तो एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, जब उन लोग का एंड होगा लाइफ का, बिकॉज अपने लोग कोई भी रहने नहीं आए, राइट, सबको जाना है, तो 10 साल जब उनका फेज ऑफ लाइफ होगा, दे आर ऑल्सो बिकम अ चाइल्ड, उन लोग का भी मेंटेलिटी, उन लोग का भी माइंडसेट क्या होगा, धीरे धीरे ये जैसे अप हो रहा है ना भी आप लोग का माइंड, वैसे वैसे क्या होगा, डाउन होगा, माइंड भी डिटेरिएट होता है, हेल्थ भी डिटेरिएट होता है, सेल्स वगैरह सब डाउन होता है, आप लोग पढ़े बायो वगैरह में, तो ऑल आर गेटिंग डिटेरिएट, और वो वापस उसी जगह में आ जाते हैं जहां से स्टार्ट करता है जर्नी हमारा। तो जर्नी हमारा बच्चे से स्टार्ट होते होते जवानी गया, जवानी के पिक में शादी हुआ, फिर थोड़ा देर स्टेबल रहा, फिर अब धीरे धीरे डिग्रेड हो गए, फिर खत्म। तो ये जो फेज है एंड वाला फेज में, व्हाट दे वांट इज टू टेक केयर लाइक दे डिड फॉर यू, समझ रहे, वो सपोर्ट चाहिए होता है, वो कोई भी पेरेंट्स आपको बोलेगा नहीं, बट इज इम्प्लाइड है, मतलब पढ़े ना इम्प्लाइड, तो ये इम्प्लाइड चीज है, ये सपोर्ट चाहिए, ये देख रहे कि भैया 50 साल 60 साल एक माँ बाप अपना बच्चा लोग को ऊपर में वक्त दे देने के बाद में वही बच्चा उसका ओल्ड एज में उसको भगा दिया घर से निकाल दिया, रास्ता में देखते होंगे बहुत सारा बेग वगैरह करता है, बहुत सारे बूढ़े वगैरह है, नहीं है आपको देख के समझ में नहीं आता, वो सोच में पड़े आते अपने लोग रास्ते में क्यों है नहीं, राइट, ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ रीजन, बिकॉज ऑफ ग्रीड, बिकॉज ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग, ये सारा चीज। तो यहाँ पे पीसी को कुछ खलबली मचा, कुछ तो करना है, अब हम भी बुढ़ा हो रहे, क्या किया वो क्या किया, वो बोला कि अगर कोई भी पेरेंट्स का ठीक है, कोई भी हस्बैंड और वाइफ का एक घर है, ठीक है, और वो सीनियर सिटीजन है, क्या बताइए, सीनियर सिटीजन का एज क्या है हमारे पास, 60 इयर्स, या फिर वन ऑफ कोई भी एक सीनियर सिटीजन है और सेल्स हेल्थ अब डाउन हो गया, तो जब तक हेल्थ है तब तक काम है, जब तक काम है तब तक पैसा है, और जहां हेल्थ खत्म सब खत्म, क्लियर हो गया। तो अब ये लोग उस लेवल का मेहनत करके नहीं कमा सकता, उस लेवल का इफर्ट देके उतना अर्निंग नहीं कर पाए, लेकिन अगर इन लोग के पास होम है और इन लोग के पास अर्निंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इन लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट दे कैन डू, दे कैन गो टू अ बैंक, उन लोग बैंक में जाएंगे, ठीक है, बैंक में उन लोग जाएगा और बैंक में जाके अपना हाउस को मॉर्गेज करा लेगा, क्या करा लेगा, मॉर्गेज करा लेगा। ये स्कीम जब आया था ना सब फैन हो गया था, एवरीवन लाइक एकदम पीसी 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 फेमस, समझ गया। तो ये क्या कर लेगा, बैंक से जाके मॉर्गेज कर लेगा। नाउ बैंक इज अ प्रॉफिट मोटिव, बैंक कभी भी सोशल मोटिव नहीं है, बैंक प्रॉफिट चाहिए भैया, उसको पैसा चाहिए, आप सलाह पूर्ण होने से मतलब नहीं, इमोशनल सेंटिमेंट हटा दो, धंधा का बात हो रहा है। तो बैंक क्या करता है, यहाँ पे इस हाउस का वैल्यूएशन करेगा, क्या करेगा, इस हाउस का वैल्यूएशन करके इसका अमाउंट फिक्स करता है, इसका वैल्यूएशन कितना होगा और आने वाला साल में भी कितना बढ़ सकता है। सपोज इसका वैल्यूएशन मेरा 80 लाख रुपए हो गए, अब ये वैल्यूएशन करके क्या करेगा ना, ये हर महीना इन लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है, जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनी करती है। अब इसको पता चला कि भैया ये 65 साल का है और ये मान ली 60 साल की है, तो मैक्सिमम 80 साल जिएगा, मतलब इसको मैक्सिमम 20 साल तक का क्या करता है सर, इन लोगों को पैसा देना है। तो क्या करेगा, इसी वैल्यूएशन के हिसाब से, कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ये 20 इयर्स तक का इन लोगों का पर मंथ जो है एक मनी फिक्स कर देगा, समझ रहे हैं। सपोज इन लोग का महीना 80 लाख रुपए के हिसाब से इन लोग का 10,000 रुपए महीना इन लोग का फिक्स कर दिया, क्योंकि सर प्रॉपर्टी का वैल्यू भी तो बढ़ेगा 10 सालों में, प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो ये 10 साल ले लोग क्या करें, लोगों को घर छोड़ना नहीं है, घर पे ही रहना है, लेकिन घर को गिरवी रख के बैंक को दे दिया और बैंक इसको हर महीना 10,000 रुपए देता रहेगा जब तक इन लोग का डेथ, अगर एक का डेथ हो गया तो दूसरा को मिलता रहेगा, समझ गए, जो भी उन लोग का एग्रीमेंट वगैरह में सेट होगा नहीं होगा, बट सर्टेन फिक्स ऑफ मनी, सफिशियंट मनी इन लोग को मिल जाता है, सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ पीसफुली एंड हैप्पी, समझ रहे हैं। इन लोगों का खर्चा कितना होगा, 2,000-6,000 रुपए 7,000 रुपए मैक्सिमम 10,000 रुपए हो जाएगा, तो इन लोग भाई भीख तो मांगने से बेटर है ना, और घर भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो ये इन लोग को मिल गया, अब डेथ हो गया, मान ली एक जन का दूसरे को मिलेगा, दोनों जन का डेथ हो गया तो बैंक वाला क्या करेगा, दोनों जन का डेथ हो गया तो बैंक वाला इस हाउस को सेल कर देगा,
मरने के बाद में क्या लेके जाना है? नहीं, ऐसे भी तो छोड़ के जाना है, औलाद के लिए छोड़ के जाना है, भले ही बड़ा नकारा है जो भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेट तो उसको मिलेगा जो भी हम छोड़ के गए, तो भैया उसको काहे को देंगे? जब तुम बेटा मेरा बुरा वक्त में साथ नहीं दो, हम काहे देंगे? बाग साहब, तो ये क्या करेगा, बैंक इसको सेल कर देगा, सेल करके जितना भी इसका अमाउंट था अमाउंट रियलाइज कर लेगा। क्या कर लेगा बताइए? अमाउंट रियलाइज कर देने के बाद में बाकी जो भी मनी बचेगा, बाकी जो भी मनी बचेगा वो उसका नॉमिनी को दे देगा। किसको दे देगा? ठीक है, नॉमिनी को दे। अब अगर नॉमिनी, ये भी ऑप्शन है कि अब अगर डेथ हो जाता है ना, तो फिर बच्चे लोग का प्यार जाग जाता है, अरे मेरा माँ, मेरा बाप, अब जाग गया उसका प्यार, तो भाई साहब अब उसको प्रॉपर्टी चाहिए, तो बैंक वाला क्या बोलेगा, मेरा इतना रुपया दिया है तुम्हारा माँ बाप को, पूरा रुपया दे दो, प्रॉपर्टी ले लो, नहीं दोगे भैया हम बेच देंगे, बेच के जो पैसा आएगा हम ले लेंगे, जो बचेगा तुमको दे देंगे, रखो। समझ में आया? नाउ दिस इज स्कीम इज व्हाट इज कॉल्ड रिवर्स मॉर्गेज। और ये स्कीम में ये जो 10,000 रुपए ये जो पर मंथ इन लोग को जो मिल रहा है, ये क्या है, इन लोग के हैंड पे एग्जेम्प्ट, क्या हो गया सर, एग्जेम्प्ट, ये 10,000 रुपए ये वाला मनी क्या हो गया, एग्जेम्प्ट। और यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर का और जितने भी गवर्नमेंट का स्पेसिफिक मतलब मेंशन है टू ऑल द बैंक टू मिटिगेट द पेपर डॉक्यूमेंटेशन टू देम, टू दिस पर्सन के लिए पेपर डॉक्यूमेंटेशन काफी कम रखें, आप नहीं जाएं, उन लोग को ना बुलाएं, आप उन लोग के घर में जाके पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर लियो, थोड़ा लीनियंट, लीनियंट मतलब अगर कुछ कम भी नहीं है तो मतलब इसके फेवर में करके आप लोग इन लोगों का काम करें, ये बोलने मांग रहे, समझ रहे? तो ये एक फैसिलिटी है। तो आने वाला दौर में क्या हो नहीं हो वो मेरे को पता नहीं भैया, बट एक घर अपना नाम पे होना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए, समझ गया? वो देना नहीं है, नहीं समझे, वो देना नहीं है, चाहे वो शादी करे, कुछ हो जाए, हॉस्पिटल में जाए, कुछ भी हो जाए भैया, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो एक घर अपने को ट्रांसफर नहीं करना, वो एक घर अपने को अपने पास रखना, क्लियर है? इसलिए अगर मान लो कि सब कुछ हो गया, देखो ये हम वर्स्ट सिनेरियो बता रहे हैं, ऑब्वियसली आप लोग जैसे हो आपके बच्चे भी वैसे होंगे, अगर वैसा नहीं हुआ तो अच्छा है ना, लेकिन अगर हो गया तो बेटा कहाँ जाओगे उस वक्त, तुम्हारा जितना तो सब तो बुढ़ा, कौन किसका साथ देगा, समझ रहे हैं? ये चीज करना अपने को, ये चीज रखिएगा, क्लियर है? तो ये सर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में इतना सारा अपने को पार्ट बताया, लेकिन पढ़ना कितना है सर, कितना याद रखना है, क्लियर हो गया? तो ये है सर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसको रीड कर लीजिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर कुछ कुछ दिया हुआ है, सोल्यूशन दिया हुआ, एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है? और ये एक्सरसाइज करिएगा 1, 2, 3। अच्छा, गिफ्ट एग्जेम्प्टेड है अप टू ₹50,000, कितना बताइए, 50,000 तक का एग्जेम्प्ट है ड्यूरिंग द ईयर। गिफ्ट अगर रिलेटिव से लेते हैं, किससे लेते हैं, रिलेटिव, रिलेटिव मतलब मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर दादा दादी ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब जो रिलेटिव है आपका, जो ब्लड रिलेशन, उन लोग से लेते हैं तो एग्जेम्प्ट है। अगर आउटसाइड द रिलेटिव से लेते हैं, ठीक है, जो आप लोग का सो कॉल्ड दोस्ती वो जो है उससे अगर आप पैसा रिसीव करते हैं, देते हैं, वो हमारा रिलेटिव में कवर नहीं होता है, उससे अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो 50,000 तक एग्जेम्प्ट है, लेकिन 50,000 एक रुपया ले लिए ना, तो पूरा 50,000 एक रुपया पे टैक्स। अगर 1,00,000 रुपए ले लिए ना, तो पूरा 1,00,000 पे होगा, मतलब इसमें लिमिट नहीं है 50 का, ये बाबू 50 तक का एग्जेम्प्ट है, 70 लिए तो 20 पे लगेगा, नहीं, हाँ 50 तक का माफ है, और उससे ज्यादा लिए तो पूरा टैक्स है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा, दे गिफ्ट दे रहा दे, लेकिन 50,000 साल तक का देगा, उससे ज्यादा देगा तो भी हम आ जाएंगे, समझ गए? तो ये हमारा गिफ्ट का मामला है सर, एक बार पढ़ लीजिएगा, इलस्ट्रेशन वगैरह ये सब है, ठीक है? तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, इसमें और मेरे को कुछ बताना नहीं है। नेक्स्ट क्लास में एग्रीकल्चर इनकम करेंगे, महज 2 क्लास लगेगा, एक पढ़ाना और फिर एक प्रैक्टिकल सम के लिए, उसके बाद अपने लोग हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम, बताओ, यस, और कुछ नहीं चाहिए, नहीं सर इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, इसमें क्या थ्योरेटिकल, ऊपर में लिख दिए तो क्या आता है।